Morning, aspirants. Welcome to Vikramas. I am Pooja Singh, and I am again in front of you with a very, very, very important news. Good news to all of you. Yes, the news is stenographer का notification आ चुका है. आप में से बहुत लोग बहुत दिन से इसका wait कर रहे होंगे, है ना? तो जरा समझ लेते हैं इस notification को क्या है, क्या इसकी technicalities है, last dates क्या है, date starting की date क्या है, और भी जो भी इसमें important चीजें हैं वो सब मैंने एक जगह आपके लिए इंक्लूड किया है. तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर देते हैं. एक छोटा सा सेशन मैं रखूंगी, है 10-15 मिनट्स में मैं आपको सारा सारा समझाने की कोशिश करूंगी. फिर उसके बाद इसके सिलेबस और दूसरी चीजों पर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो आज आपको एक ओवरव्यू मैं देने वाली हूँ. ये कल ही रात नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अभी सीट्स अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है? तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि इस एग्जाम के लिए जो सीट्स है वो अभी TBA है, यानी TBA मतलब टू बी अनाउंस, अभी अनाउंस होंगी, टू बी अनाउंस्ड, ठीक है? अभी अनाउंस नहीं किया गया है सीट्स को. चलिए समझ लेते हैं, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपका SSC ही इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है. स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ गई है. पोस्ट क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, यानी ग्रुप बी का जॉब है ये, नॉन गैजेटेड है, ठीक है? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड सी जो होता है वो ग्रुप बी में आता है, ठीक है? और जो दूसरा है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी. क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, और एक ग्रुप सी की जॉब है. तो दो तरीके की जॉब्स इसमें आई है, एक ग्रुप बी की जॉब है और एक ग्रुप सी की जॉब है. जो ग्रुप सी की जॉब है वो आपकी ग्रेड डी है, ठीक है? और जो आपका ग्रुप बी की जॉब है वो ग्रेड सी है. इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये तो आप सब जानते भी होंगे. और ये जो स्टेनोग्राफर की जॉब्स है ये कहाँ कहाँ आई है? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आई है, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में. अटैच्ड ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, मतलब गवर्नमेंट की टोटल जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट होते हैं, कुछ अटैच्ड ऑफिसर्स होते हैं, उन सब में ही ये आई है. अक्रॉस द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्टेनोग्राफ. तो मतलब आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट भले ही अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये बम्पर वैकेंसी होने वाली है, काफी सारी पोस्ट इसमें रहेंगी. एग्जैक्टली आई विल नॉट कोट, क्योंकि जब तक अनाउंस नहीं हो जाता तब तक कोट नहीं करना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन ब्लफ्स, तो मैं नहीं आपको बोलूंगी, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ, ठीक है? चलिए देख लेते हैं. एक मैंने ओवरव्यू इसमें डाला है. एग्जामिनेशन का नाम SSC स्टेनोग्राफर 2023, ग्रेड सी और डी ऑफिसर्स के लिए ये पोस्ट है. वैकेंसीज यहाँ इसमें लिखी है पर नहीं है, अभी एग्जैक्टली अनाउंस नहीं हुई है, पर कुछ जगह मैंने इसको देखा था तो मैंने आपको डाला कि 1207 के करीब वैकेंसी है. तो अराउंड 1200 से 1500 के बीच वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है? फिर उसके बाद बोर्ड ऑनलाइन रहेगा. एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन डेट शुरू हो गई है कल से, एप्लीकेशन 2 अगस्त से, और लास्ट डेट प्लीज मार्क कर लीजिए 23 अगस्त. मैं ऊपर लिख देती हूँ, 23 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की. पर प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट के लिए मत बैठिए. मेरा सजेशन है आपके लिए कि प्लीज इसको आप आज या कल में या हफ्ते भर के अंदर इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि हमेशा हमें लास्ट मिनट वाला इंसान नहीं होना चाहिए कि ट्रेन छूट रही है तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं. नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है. हमें इत्मीनान से, तसल्ली से अपना सामान ले जाकर ट्रेन में रखना है. चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और अखबार, किताबें, जो आपको चाहिए आप तसल्ली से लेके अपने बर्थ पे बैठिए और ट्रेन को धीरे धीरे स्टार्ट होने दीजिए, ठीक है? तो आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आप फॉर्म को टाइम से भर देंगे, ठीक है? अदरवाइज आपका वही हाल होगा कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है और आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो वो नहीं करना है. बंपर वैकेंसी से अपने माइंड को बिल्कुल काम रखिए, डे वन से काम रखिए. नोटिफिकेशन आ चुका है. सबसे पहला काम किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए जरूरी होता है कि आप उसके फॉर्म को फिल करिए. तो आप सबसे पहले अपना सबसे पहला स्टूडेंट धर्म, एस्पिरेंट धर्म निभाइए और इस फॉर्म को विद इन टाइम फ्रेम बिफोर, मतलब जैसे ही स्टार्ट होता है आप इसको भर दीजिए, ठीक है? मेरे ख्याल से मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊंगी. एग्जाम की डेट ठीक है 12-13 अक्टूबर, तो अभी क्या है, CPO का भी अक्टूबर में एग्जाम है और अभी स्टेनो का भी एग्जाम आपका अक्टूबर में है. ये आपका 12-13 अक्टूबर है, ठीक है? ये शायद आपके 5-6 अक्टूबर से शुरू है, 10-12 तक ये है, और उसके जस्ट बाद आपको स्टेनो का एग्जाम है, ठीक है? चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? राइटिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा इसमें, टाइपिंग का टेस्ट भी होता है.
एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है तो हल्के में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए कम से कम, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी एसएससी विक्रमास पे आपको पूरी होलिस्टिक तैयारी कराई जाएगी। बेसिक्स के लिए एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो आपको एसएससी चैनल को थोड़ा सा छोड़ के विक्रमास एड्यूटेक चैनल पर जाना होगा, ठीक है। तो ये दो चैनल्स अपने लिए इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, कहीं आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, एसएससी विक्रमास आपके सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, एंड विक्रमास एड्यूटेक चैनल जो है उसको आप एनसीईआरटी के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारी एनसीईआरटीज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर बिल्कुल अच्छे से पूरे प्रॉपर गाइडेंस के साथ विद टेस्ट, मॉक टेस्ट और एक विद इन टाइम फ्रेम आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे जो नंबर दिए गए इन पर भी कॉल कर लीजिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, उसके बारे में पता कर लीजिए। वहां पर आपको पूरा हमारा टीम मिलकर के आपको एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपेयर करेगा और हमारा इसमें पूरी गारंटी है कि आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे अगर आप मेहनत करते हैं साथ में, ठीक है। चलिए उसको बाद में आते हैं, यहाँ समझते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा पहला, और दूसरा स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in, क्या है, ssc.nic.in। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे कंप्लीट करके एक बार आपको वेबसाइट पर भी लेकर के चलूं, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नेपाल और भूटान के लोग भी इसको भर सकते हैं। तिब्बतन रिफ्यूजी, कौन से तिब्बतन रिफ्यूजी, जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आ गए थे परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO की अगर आपके पास नोटिस है, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, ये पूरी लिस्ट है। अगर यहाँ से आप माइग्रेट होकर आए हैं और इंडिया में सेटल है तब भी आप इसको भर सकते हैं। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2, 3 एंड 4, ठीक है, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इनको They must have certificate of eligibility. Government of India ने आपको एक certificate दिया होगा, वो जरूर होना चाहिए, otherwise you will be treated as illegal or migrant और फिर आप इस examination में appear नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए ये छोटा सा information था। फिर एज लिमिट देख लेते हैं, ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल, ठीक है, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। तो ये आप देख लीजिए, 12th पास कर रहे हैं आप, अभी इसी साल आपने किया है तो 18 साल आपकी एज होगी, आप एलिजिबल है। ग्रेड सी यानी जो ग्रुप बी का पोस्ट है उसके लिए आप 30 साल तक की अगर आप एज है आपकी तो आप इसको आपको डाल दीजिए। और ग्रुप ग्रेड डी यानी ग्रुप सी का अगर आप भर रहे हैं फॉर्म तो आप अगर 27 साल तक की ही आपकी एज है तो ही आप डाल सकते हैं, अगर आप उससे ज्यादा के और 30 तक है तो आप ग्रेड सी पर जाइए, ठीक है। चलिए अब कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, चलिए क्वालिफिकेशन एज की देख लेते फिर एज रिलैक्सेशन बताऊंगी। तो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, एससी एसटी कैटेगरी 5 इयर्स, ओबीसी 3 इयर्स, फिजिकली जो चैलेंज होते हैं अनरिजर्व उनको 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी 15 इयर्स, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटीज अगर है तो ये आपका वो रहेगा। एक्स सर्विसमैन की कई सारी है, 3 साल एक्स सर्विसमैन को दी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है। अगर आप सपोज करिए 35 के हैं और आपने 15 साल फौज में काम किया है तो आपकी एज 20 साल मानी जाएगी, ठीक है, और उसमें भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी अगर आपकी किसी भी तरीके से या 30 साल एज आती है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप 27 साल के माने जाएंगे और आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज 40 साल के हैं, आप 35 इयर्स के हैं और आपने 15 साल दिया है, मतलब कुछ भी इस तरीके से आप करके, तो आपने जितने साल, जितनी आपकी एक्चुअल एज है उसमें से जितने साल आपने डिफेंस फोर्सेस में सर्विस किया है उस एज को माइनस कर दिया जाएगा। अगर वो 18 से 27 के बीच में आता है तो वेल एंड गुड, अगर 27 के लेकर के 30 तक आता है तो भी 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, यानी एक्चुअल एज माइनस सर्विस एज, ठीक है, तो यहां से आपकी एज कैलकुलेट होगी, ठीक है। चलिए अब डिफेंस पर्सन जिनकी किसी ऑपरेशन, किसी मिलिट्री ऑपरेशन के टाइम पे कोई डिसेबिलिटी हो गई है किसी फॉरेन कंट्री के साथ या फिर किसी डिस्टर्ब एरिया में, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है।
ठीक है, ऐसे डिफेंस पर्सनल जो किसी फॉरेन कंट्री में किसी हॉस्टाइल बना लिए गए थे, वहां उनको कोई ऑपरेशन हुआ गया है और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, वो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो 8 इयर्स। इसी तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 3 साल रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस में काम किया है, उनको वो 40 साल तक दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जिन्होंने 3 साल से कम दिया है लेकिन रेगुलर दिया है, वो एससी एसटी है, तो 45 इयर्स तक दे सकते हैं, 45 इयर्स ऑफ एज तक दे सकते हैं, ये नहीं कि 45 साल तक आप देते रहेंगे। विडो डिवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, उनके लिए एज लिमिट रखी गई है 35 इयर्स, और अगर ये इसी तरीके की वुमेन एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करती है तो वो 40 इयर्स तक एज तक दे सकती है स्टेनो के एग्जामिनेशन को। ठीक है, अब डिटेल्स देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड से इस एग्जाम को कराया जाएगा, 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, कितने आएंगे, 200 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 4 कैटेगरी के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थमेटिक। ये 4 तो आपका जो अभी आज भी एसएससी का एग्जाम हो रहा है सब सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन हर डिपार्टमेंट से आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको करना है कि एसएससी सीएचएसएल का जो भी एग्जाम आज हो रहा है उसमें कैसे है कि चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, यहाँ हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन का वैल्यू कितना रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और वो 200 ही उनका टोटल मार्क्स होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये कितनी देर का होगा, ये 2 आवर्स का होगा, तो यानी अभी आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 120 मिनट में आप करेंगे 200 क्वेश्चंस। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, चलिए चेक कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को। अप्लाई का आ गया है, तो पहले ये समझ लेते कि अप्लाई कैसे करेंगे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 मार्क्स की, तो वो भी हमें ध्यान में लेके चलना है जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मैं आज या कल में ही आपके लिए एक वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर भी लेकर आऊंगी, आज ही या कल में ही इसको डिसाइड कर लेते हैं किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है और क्लियर कर देंगे एक ही बार में। ठीक है, जुड़ जाइए आप हमारे साथ, हमारी गारंटी है, हमारी हम आपको पूरी तरह से गाइडेंस देंगे, और स्टेनो का एग्जामिनेशन आप किसी भी हालत में इस बार अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्म डाल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, इतना आप कर लीजिए, बाकी आप हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए। तो चलिए, 2 अगस्त से 23 अगस्त है, मैं आपसे प्रॉमिस ले रही हूँ कि विद इन 1 वीक आप सब लोग अपना फॉर्म भर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा फिर इस चैनल पर आकर के कि आपने अपना फॉर्म भर दिया है। ठीक है, चलिए मैंने आपको ssc.nic.in पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब डालिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, ssc.nic.in पे जाइए, रजिस्ट्रेशन पे जाइए, जो बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है वो भर दीजिए, और उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है अप्लाई वाले लिंक पर और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या डी एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके का अप्लाई का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप चले जाइए, फिर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब में भी आपको ये मिल जाएगा, वहां पर आप अपनी डिटेल्स भरिए, अपना रीसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फी पेमेंट करिए एंड वोइला, यू आर डन, इतना सिंपल। ssc.nic.in बेसिक रजिस्ट्रेशन, और यू गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अ पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से आप लॉग इन करिए, जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2023 का एक टैब मिलेगा, क्लिक करिए, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है उन सबको फिल करिए, अपने फोटोग्राफ को अपलोड कर दीजिए, ठीक है, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए, और जल करके आगे आप अपना फी पेमेंट करिए। फी कितनी है ये देख लेते हैं, जनरली ओबीसी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो 100 है, और अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप या फिर फीमेल है, फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से है, आपको कोई फीस नहीं लगेगी। थोड़ा सा अन्याय हो रहा है यहाँ कुछ लोगों के साथ जिन्हें 100 रुपए खर्च करने, पर चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस फीस को पेमेंट आप जरूर कर दीजिए, है ना, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप एंड फीमेल्स फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, यू डू नॉट हैव टू पे एनी फीस, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है, मैंने आपको भी बता ही दिया था, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन, तो इस तरीके से करके आपके टोटल
200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। 2 आवर्स की इसमें ड्यूरेशन रहेगी, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद मैथ्स के 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो इंग्लिश यहाँ पर बहुत बड़ा डिसिसिव रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। क्या करने वाला है? डिसिसिव रोल प्ले करेगा कौन? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं। एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, वी हैव अ वेरी नाइस फैकल्टी, वेरी गुड फैकल्टी टू टीच यू इंग्लिश। प्लीज ज्वाइन करिए विक्रमास और बहुत अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्जामिनेशन की, और एक ही बार में इस एग्जामिनेशन को निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 स्टेजेस में है, मैंने सब बता दिया है आपको, डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिए। सिलेबस भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के लिए आपको देख लीजिए कुछ स्पेसिफिकेशंस है, यानी अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? ग्रुप डी के लिए बात कर रहे हैं, तो 80 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, टाइपिंग स्पीड। और अगर आप ग्रुप सी की बात कर रहे हैं तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्कीम आपको चाहिए। तो ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और अगर ग्रुप सी की बात करते हो तो 100 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए। और ये आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, 50 मिनट्स दिए जाएंगे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ग्रुप डी के लिए 50 मिनट्स दिए जाएंगे, और जब ग्रुप सी की बात करेंगे तो इनको 40 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये सब आपको, ठीक है। 800 वर्ड्स आपको यहाँ पर टाइप करने हैं 50 मिनट्स में, और यहाँ पर आपको टाइप करने हैं 40 मिनट्स में 1000 वर्ड्स को, ठीक है। चलिए, एक कट ऑफ आपको रिक्वायर है क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट हैंड स्टेज को, वो क्या है? क्वालिफाइंग ही है ये, बेसिक एक कुछ मार्क्स आपको उसमें लेने होते हैं, कुछ टाइपिंग स्पीड में कुछ एरर्स भी आपको होता है कि आप इतने एरर्स भी इसमें कर सकते हैं, वो भी हमें डिटेल सेक्शन में समझ लेंगे आपको। लेकिन फिलहाल आपको मैंने बता दिया है कि ग्रुप डी के लिए आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, और ग्रुप सी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपने को करनी है। 40 मिनट्स में ग्रुप सी के लिए दिया जाएगा और 50 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इस चीजों से आपको कुछ क्लैरिटी तो मिली होगी। स्कीम मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। डिडक्शन मैंने बताया था, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स, कितना 1/4 आपका डिडक्शन है मार्क्स का, ठीक है। यानी एक अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, तो एक राइट क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वार्ट मैं आपको भी बता ही रही थी कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो क्या है कि अगर आप ग्रुप सी और डी की बात करते हैं, है ना, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गई है, ग्रुप सी का ये है और ग्रुप डी का ये है, ये शायद जब हम टाइपिंग कर रहे थे इसको टेबल को तब ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। चलिए, तो कैटेगरी है जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन। ग्रेड सी में आपको 7% तक की परमिसिबल है मिस्टेक, टाइपिंग में आप 7% तक मिस्टेक कर सकते हैं, और अगर आप ये है तो यहाँ पर आप 5% तक की परमिसिबल है। इसी तरीके से ग्रुप डी में 7% और 10%, ठीक है, ये 15% है, ठीक है। क्लियर है? कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी बेस्ट पॉसिबल वे में आपको आंसर करने की। तो चलिए, ये था मेरी तरफ से आपके लिए जल्दी से, मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है। तो टेक अवेज क्या है हम समझ लेते हैं कि इस सेशन से आपको क्या क्या समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि स्टेनो का नोटिफिकेशन निकल चुका है, ठीक है, नोटिस आ गया है, पोस्ट लगभग 1200 से 1500 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, एज की कितनी चाहिए, 2 तरीके की है, ग्रुप सी और डी 2 तरीके की है जॉब्स है। लास्ट डेट ये अभी 2 अगस्त से शुरू हुआ है और लास्ट डेट इसकी है 23 अगस्त, ठीक है। डिटेल्स को समझ लीजिए, जान लीजिए, दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। ज्वाइन कर लीजिए विक्रमास एसएससी चैनल को, ज्वाइन कर लीजिए विक्रमास एडुटेक चैनल को अगर एनसीईआरटी भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं,
और सबसे पहले तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस अभी 22nd तक हम डेली दिन में 2-3 बार ही लाइव आ रहे हैं, ताकि हम आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके, आपको थोड़ा हेल्प कर सके आपके SSC के एग्जामिनेशन में, CHSL के एग्जामिनेशन में, और प्लस अगर आप आगे के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी आप इस लाइव सेशंस में आइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि SSC का पैटर्न क्या है एग्जाम क्वेश्चन पूछने का। तो अभी आपके पास पूरा अगस्त और सितंबर का टाइम है जब आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नंबर्स पे कॉल करके बात कर लीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही था मेरी तरफ से, मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके साथ जरूर ज्वाइन करूंगी और शाम को 5:30 बजे फिर से हम करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी लाइव मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्टडिंग। टेक केयर, बाय।